मुझे जो है मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स जो हैं गुम हो चुके हैं, और लेकिन चलिए गोल्डन टेम्पल के भीतर प्रवेश करने पे शायद मुझे वो मिल जाएं। अभी तो मुझे लगता नहीं मिलेंगे जी सर, इसलिए यहाँ पर वो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं गोल्डन टेम्पल के कम्प्लेक्स में मंदिर में जब घुस जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए परेशान हो रहे हों। मेरा कैमरा अब जो है रोलिंग रहेगा ताकि कुछ भी जो है प्यारी सी घटना मेरे कैमरों में कैद हो जाए। देखिए शायद गोल्डन टेम्पल के गेट आ गए हैं, तब तो यहाँ तक जो है रिक्शा आते थे। जब मैं लास्ट बार आया था तब यहाँ तक रिक्शा आते थे, और ये इतना डेवलप नहीं था। ये मुझे पता है कि जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन्होंने अब अपनी अलग पार्टी बना दी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके कार्यकाल में जो है ये पूरा एक कम्प्लेक्स बना था, और इसके जस्ट पीछे और इधर जस्ट हेलो हाय, ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है, ये मेरी शॉप है। हेलो हाय, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम साजन है। आपका नाम? साहिल। साजन। अच्छा, घर आए साजन। ओके, मेरा नाम अविनाश है। ओके, मेरा अविनाश भगत। अभी ये हमारा शो है। तो देखिए मुझे मेरे भाई मिल गए, और देखिए यहाँ पर जो है कितना अच्छे जो है ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, जो है पंजाब के ट्रेडिशनल ड्रेस। तो भैया ये क्या है, कुर्ता है? सूट है? फुलकारी। ओके, जो पंजाब की ट्रेडिशनल ड्रेस है, देखिए कितना चमक रहा है ये। तो जस्ट गोल्डन टेम्पल के कम्प्लेक्स के बाहर ही जो है इनकी शॉप है ये, साजन सर। तो आप आ जाइए इधर, ये देखिए। तो ये बहुत प्यारी लग रही है, तो अगर मैं अंदर कम्प्लेक्स से आऊँ तो डिस्काउंट मिलेगा ना? पक्का? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा? ओके ओके ओके, मैं अंदर से विजिट करके आया तो जो है। ओके, या ये देखिए खालसा कलेक्शन, शॉप का नाम जो है खालसा कलेक्शन। खालसा कलेक्शन स्पेशल। बॉलीवुड की मूवीज में आपने ये देखा होगा अक्सर, ये जो है ये देखिए। तो ये किसी एक के लिए, किसी वन स्पेशल के लिए एक लेना बनता है, तो पहले अंदर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है भैया, अंदर से विजिट करके आते हैं। धन्यवाद। ये ओके, थैंक यू। देखिए दोस्तों, पहले हमें तो जो है मैं आपको बता रहा था कि सॉरी मैं यहाँ पर ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे जो अभी कटरीना कैफ के जो हस्बैंड हैं उनकी मूवी जो रिलीज़ हुई थी, तो ऊधम सिंह जो मूवी का नाम था, और वैसे भी 1919 में जो आपने मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जो हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने तो 1919 में पढ़ा होगा कि क्या हुआ था। डेट मुझे याद नहीं है, शायद 13 अप्रैल थी। तो 13 अप्रैल में भी 1919, साल तो मुझे भी याद है लेकिन तारीख याद नहीं है। तो अंदर लिखी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मैं हिस्ट्री पढ़ के नहीं आया हूँ, लेकिन जितना मुझे याद है मैं आपको उतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, बाकी तो आप इस जगह को जानते ही होंगे। सैफुद्दीन किचलू साहब, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो हैं, और उनके साथ जो हैं आई डोंट नो एक कौन थे, और सैफुद्दीन किचलू मुझे नहीं याद आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया साथ में कौन थे। वो एक पीसफुल जो है
तो दोस्तों मुझे जो है 10 साल पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। हालांकि यहां पर बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, जब मैं लास्ट बार जब आया था तब यहां पर जो है अभी भी वो रॉनेस थी, वो जो ओरिजिनलिटी थी वो अभी तब भी बरकरार थी। आज तो बहुत 10 सालों में बहुत चेंजेस आ गई हैं। तो ये अंदर जहाँ अब मैं आपको अंदर के दृश्य दिखाऊंगा, यहाँ पर गैलरी है जहाँ पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है, जो मुग़ल टाइम पे जितना भी, देखो मैं अभी अंदर नहीं गया लेकिन मुझे याद है कि मुग़ल टाइम पे जितनी भी एट्रोसिटीज़ हुई थी सिख कम्युनिटी पे, अंदर सारी हिस्ट्री लिखी हुई है और पोस्टर जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो जो वेल था, वेल इस साइड है कोई, मुझे याद है। और वो जो आप देख रहे हैं वो एक प्रतीक है जलियांवाला बाग का, और वहाँ पर कुछ ऐसे निशान भी हैं जहाँ पर जो है गोलियों के निशान जो अभी भी जो है उनको पिरोए रखा है, मेमोरी की तरीके जो तौर पे उसको अभी भी जो है प्रिजर्व किया गया है। तो वक्त तो कम है तो मैं आपको सीधा अंदर ऑडिटोरियम में ले चलता हूँ जहाँ पर गैलरी है। ये देखिए, देखिए दोस्तों अब तो यहाँ पर जो है चौबीस घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहे, उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया गया। ये देखिए हर जगह प्रोजेक्टर और लाइटनिंग का इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को बताया जा रहा है अपने इतिहास के बारे में। ये देखिए एप्सन के प्रोजेक्टर जो हैं, तब यहाँ पर बिल्कुल जो है रॉनेस थी। आज देखिए प्रोजेक्टर से कैसे जो है अभी जो है दिन का टाइम है इसलिए ये इतना अफेक्ट नहीं दे पा रहा है। रात के टाइम जब भी कोई आए यहाँ आएगा तो मुझे लगता है कि जो है खूबसूरती और बढ़ जाती होगी। तो अभी धूप आ रही है इसलिए इसका अफेक्ट उतना नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो जनरल थे वो माइकल ओ'ड्रायर थे, नाम जो है जनरल डायर एक, तो जो जनरल थे तो वो माइकल ओ'ड्रायर थे, नाम याद रखिएगा माइकल ओ'ड्रायर ना कि जनरल डायर। जैसे ब्रिगेडियर होता है फिर लेफ्टिनेंट होता है फिर कर्नल होता है, वैसे जो हायरार्की होती है आर्मी की, वैसे जो पंजाब के जनरल गवर्नर थे वो माइकल ओ'ड्रायर थे, लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट थे जो उनके नीचे थे वो थे जनरल डायर जिन्होंने यहाँ पर गोलियाँ चलाई थी, लेकिन पूरे पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे वो माइकल ओ'ड्रायर थे। देखिए साल तो मैंने ठीक बोला लेकिन तारीख मैंने गलत बोली, एक्चुअली 4 अप्रैल को था, 13 अप्रैल को क्या था आई डोंट नो, मैं भूल गया। यहाँ पर जो है अखबारों के कटआउट जो हैं वो लगाए हुए हैं अभी भी। तो दोस्तों ये जो थी गैलरी थी, जैसे मैंने बताया इसमें जो मुग़ल टाइम पे जो है एट्रोसिटीज़ हुई थी तब भी उसके पोस्टर थे जब मैं 10 साल पहले आया था, आज वो हटा के जो है सिर्फ फोकस किया गया है जो जिस जगह के लिए ये जगह है।
लेकिन तब जो है पूरा इतिहास लिखा हुआ था कि औरंगज़ेब के टाइम पे या दूसरे जो जितने भी मुग़ल राजा हुए उनके टाइम पे जो एट्रोसिटीज़ हुई, गुरु टेग बहादुर जो भी आप सब जानते हैं, आप समझदार हैं। तो अभी जो है अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि जो बुलेट्स के निशान हैं जो, तो कुछ कुछ प्रिजर्वेशन उनकी की गई है, लेकिन बहुत सारा कुछ मॉडिफाई किया हुआ है। देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने 10 साल पहले जो है इसका एक रॉनेस देखी हुई है। लेकिन देखिए अब मैं आपको बताता हूँ जो कि आपने बहुत मूवीज़ में देखा हुआ है कि जिस कुएँ की बात करते हैं, जिस वेल की बात करते हैं कि लोग अपनी जान बचाने के इरादे से उसमें कूद गए थे, तब मैंने ये जो है तब देखिए तब ये कवर नहीं था, आज ये बहुत कवर हो चुका है। लेकिन तब 10 साल पहले मैंने इसको जो है रेली में देखा था और इसकी डेप्थ तब ज़्यादा तो नहीं थी, आज तो पूरा कवर किया हुआ है। ये देखिए लोग यहाँ पर पहले जब ये कवर नहीं था तो देखिए लोग इसमें पैसे डालते थे, तो आज जो है सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसमें लोग पैसे ना फेंके, और वैसे भी ये कवर कर किया गया है अब। तो देखिए मुझे नहीं पता कैमरे में आप डेप्थ देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इसका बेस देख पा रहा हूँ। तो यहाँ दिख रहा नीचे, देखो नीचे लास्ट है। नहीं 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 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है, नहीं नहीं मिट्टी दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, अंदर देखो सिक्के चमक रहे हैं, लोगों ने सिक्के डाल रखे हैं, लास्ट दिख रहा है इसका, सिक्के चमक रहे हैं, कहाँ यार, अरे आओ इधर ना, रिफ्लेक्शन आ रही होगी सर आपको, आप देख लीजिए इधर से अच्छे से, है सही है। तो पहली बार तो देखिए ये वेल, मैं आपको थोड़ा इसको एक दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लोग यहाँ पर जो है पैसे फेंकते थे, तो ये भी एक करेंसी का जो है लॉस है, ये तभी मुझे लगता है कि सरकार ने जो है यहाँ पर जो है इसको कवर किया गया है, फिर तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जब मैं था तब यहाँ पर सिर्फ एक ग्रिल लगी हुई थी और लोग इसको देख सकते थे, लेकिन आज ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखिए दोस्तों अब जो है एक्चुअली ये सिर्फ जैसे कम्युनिटी की एक जो आपके घरों में भी जो एक कम्युनिटी में आपका मोहल्ला होता होगा वहाँ पर एक बाग होती होगी, वैसे ही ये बाग थी। देखिए लोगों के साथ में घर भी हैं, तो ये रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है। देखिए ये देखिए लोगों के जो हैं घर भी आगे पीछे हैं। तो देखिए दोस्तों आज जो है तब हम इनको टच भी कर पाते थे, जब 10 साल पहले की बात मैं सुना रहा हूँ, आज ये सेफ्टी पर्पसेस से जो है इनकी प्रिजर्वेशन के पर्पसेस से जो है आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहला ये कि आपको कुछ लिमिट तक जो है जाने दिया जाता है। तो देखिए बुलेट्स के निशान जो है अगर आप देख पा रहे होंगे जो ये डब्बे किए हुए हैं उसमें जो बुलेट्स के निशान हैं तब की टाइम की जो 12 बोर बंदूकें जो या पुरानी टाइम की जो बंदूकें हुआ करती थी, मे बी यह मशीन गन भी तो थी उस टाइम पे, तो 12 बोर या मशीन गन के जो है ये निशान है। ये देखिए तो देखिए ये फोटोग्राफी भी चल रही है, तो मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि मुझे भी लाएँ, इधर भी है वैन। तो देखिए दोस्तों ये सिर्फ निशान जो है यही नहीं है, ये निशान आपको आगे भी दिखेंगे, मैं आपको आगे के निशान भी दिखाता हूँ। तो ये प्रतीक है एक, ये कुछ नहीं है यहाँ से, कुछ नहीं है ऐतिहासिक रेफरेंस से कुछ नहीं है, लेकिन ये खुद जो है कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एक रेफरेंस के तौर पे, एक निशानी रहे। तो जलियांवाला बाग का ये चिन्ह मान सकते हैं आप, कि इससे पता चलता है कि ये जलियांवाला बाग पहुंच गए हम। तो मैं कुछ 360 जो है डिग्री आपको यहाँ पर राउंड दिखाता हूँ। ये देखिए वो देखिए वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी हैं, लोगों के घर भी हैं,
लोग वो देखिए अपनी खिड़की से भी जो है नज़ारे देख रहे हैं, खिड़की में बैठे लोग मुझे दिख रहे हैं अपने घरों की खिड़की में और नज़ारे देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी कम्युनिटी होती है, कॉमन पार्क होती है, वो ये उस तरीके की पार्क थी। तो ये देखिए आप 360 डिग्री नज़ारे देखिए। देखिए दोस्तों, मैं वहाँ पर जो है फिर से आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा जहाँ पर गोलियों के निशान हैं, क्योंकि एंट्रेंस ये था शायद से, तो जहाँ से हम एंटर हुए ये देखिए। तो जितने भी दर्शक ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर वो शायद शाम के टाइम आए तो बेहतर ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइटनिंग वर्क जो किया गया, इतनी मेहनत की गई है, तो रात को जो है इसकी चमक ज़्यादा होती होगी, पूरा जो है एरिया जो अच्छा और अच्छा लगता होगा। दिन के उजाले में भी ठीक है, लेकिन अगर रात को आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, ये मुझे नहीं पता अभी आपको पढ़ने में दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग नहीं है। ब्लैक कलर का जो है, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट और ब्लैक कलर से ही जो इसको लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। शहीद भगत सिंह। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और प्रीतपाल सिंह, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, ये भी शायद उनके साथ ही रहे होंगे। इधर लिखा है कि लेट ट्रम्पेट्स ऑफ फ्रीडम बीट इन एवरी हार्ट एंड ऑल सिंग अ कोरस फॉरवर्ड योर सोल्जर्स ऑफ यंग इंडिया। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो आपको पढ़ के बताया, अब आप खुद पढ़ लीजिए। ये देखिए, मैं इस पर ज़्यादा जो है वार्तालाप नहीं करूँगा, जो आपको समझ आता है इन वर्ड से। एक्चुअली ये वर्ड्स नहीं, आइडियाज़ हैं, तो जो समझ आता है आप तक है, सीमित है। ये देखिए, ये देखिए, जिनकी मैं जैसे ही एंटर हुआ, जिनकी मैं बात कर रहा था, देखिए उनकी भी आप जो है, उनके भी आइडियाज़ आप पढ़ सकते हैं। आई डू नॉट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। आई डू नॉट केयर अबाउट डाइंग आर एनीथिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, आई एम प्राउड टू डाई। तो अब मेरे सहयोगी जो आ गए हैं, मैं अब आपको बता दूँ, भाई भगवान सिंह, तो इतनी हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं है, ये उधम सिंह को जैसे हम जानते हैं और भगत सिंह को जैसे जानते हैं, लेकिन भाई भगवान दास जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनके आइडियाज़ हम पढ़ सकते हैं। इंडियंस माय कंट्री मैन, ये संदेश दे रहे हैं देशवासियों के लिए उस टाइम पे। इंडियंस माय कंट्री मैन बिकेम वन नेशन, होल्ड द स्वॉर्ड, होल्ड द स्वॉर्ड, होल्ड द स्वॉर्ड। तो ये देखिए, अविनाशी राम ने मुमताज़ किचलू को लिखे पत्र का अंश। मुझे नहीं पता ये अविनाशी राम कौन थे, इनके बारे में मुझे गूगल करना पड़ेगा, लेकिन जो सैफुद्दीन किचलू थे, शायद उनकी वाइफ होंगी ये मुमताज़ किचलू,
जिनकी मैं बात कर रहा था उनको ये अविनाशी राम जी ने खत लिखा था, उसका एक अंश जो है इन्होंने चिन्हित किया है यहाँ पर, और लिखा है कि जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य को हो या राष्ट्र का। तो ये एक जो है पत्र है, उसका एक अंश जो है यहाँ पर है। तो ये देखिए मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान टर्म जो है कॉइन की, पाकिस्तान जो एक नेशन का नाम जो दिया गया है वो मोहम्मद इकबाल, और मोहम्मद इकबाल को जो है आप जो पोइट्री से जो है रिलेट कर पाते हैं कि इकबाल के जो हैं आप शेर सुनते होंगे, तो वैसे ये जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो आप तो आप गूगल सर्च करेंगे मोहम्मद इकबाल तो वो आएंगे कि पाकिस्तानी पोइट हैं, लेकिन जो तब जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी गुलस्ता हमारा। तो ये सॉन्ग भी है एक, उसकी एक पंक्तियाँ। तो ये फिर से मुझे जो है इनका नाम जो है गूगल करना पड़ेगा, गदर जी गंज, तो मुझे इन साहब का नाम जो गूगल करना पड़ेगा, लेकिन इनके थॉट्स हम पढ़ेंगे। टेक अ प्लेज ऑन योर ओन लाइफ दैट यू विल रिमूव स्लेवरी फ्रॉम हिंदुस्तान। भाई आप पूरे देखिए लास्ट, जो इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लाला लाजपत राय जो कि जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आना वाला था 1928 में, तो उसकी जो मुखालफत कर रहे थे, जो ब्लैक स्लोगन्स दिए जा रहे थे, काले झंडे दिखाए गए थे जो है जब साइमन आ रहा था उसको, तो गो बैक साइमन, आपने भगत सिंह की मूवी में देखा होगा काले झंडे करके गो बैक साइमन करके, तो लाला लाजपत राय जो है उस जो है प्रोटेस्ट में मारे गए थे, लाठी चार्ज उन पर किया गया था, एक्सेसिव लाठी चार्ज जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, और भगत सिंह को उसी एक इंसिडेंट ने जो है वो उनकी जीवन का बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जब उन्हें लाला लाजपत राय जी को है अपने सामने जो है अंग्रेज़ों का शिकार बनते हुए देखा, और लाला लाजपत राय की जो उसका रिवेंज जो लेना था वो सॉन्डर्स था, जो आप देखते होंगे भगत सिंह मूवी में जब एक बुलेट पे जो है एक अंग्रेज़ आता है उसका पूरा प्लानिंग करके जो मारा जाता है, उस सॉन्डर्स को मारा गया था, वो उनका कैप्टन था जिसने आदेश दिया था लाठी चार्ज को, जिस लाठी चार्ज में हमारे लाला लाजपत राय जी मारे थे, सारे शहीद हुए थे। तो उनके हम लास्ट अब जो है पढ़ते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा, यानी लास्ट नेल इन कॉफिन, जब हम कहते हैं कि लास्ट नेल इन कॉफिन, तो वैसे उन्होंने कहा कि जो भी अंग्रेज़ हम पे अत्याचार कर रहे हैं वो लास्ट नेल इन कॉफिन होगा। तो मुझे अब मेरे घर वाले बुला रहे हैं, अब वो मुझे पीट भी सकते हैं, तो इसलिए जो है मुझे जाना पड़ेगा, मैं जो है इधर सबके सामने जो है उनकी पिटाई नहीं सह सकता हूँ, घर में वो मुझे बेशक पीटते हैं लेकिन इधर सबके सामने मैं पीट अब खुद को पिटवाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सहयोगी को बोलूँगा कि चलिए। देखिए दोस्तों, ये एंट्रेंस था और यही एग्ज़िट है, इतना आज तो फिर भी ये खुला सा लगता है, लेकिन तब ये बहुत संकरा सा रास्ता था, एक ही रास्ता था इस बाग में जाने का, तो इधर से ही अंग्रेज़ आए थे, फिर उनको जो है कहीं भागने का मौका नहीं मिला, जो 20,000 लोग कहे जाते हैं उस टाइम पे यहाँ पर जमा थे, तो ये पूरी बाग जो कवर है, तो सिर्फ ये एक रास्ता था, जो आज तो ये इतना खुला सा लग रहा है लेकिन तब ये बहुत संकरा सा रास्ता था, और इसको ब्लॉक कर दिया था रास्ते को, तो इधर से तो एग्ज़िट होने का कोई चांस नहीं था। तो ये थे कुछ, कौन सा था?